रीता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रही थी, इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों नहीं आ रही है, यूट्यूब पोस्ट क्यों नहीं आ रही है, फेसबुक पेज पे कोई किसी भी तरह का मेरा मैं एक्टिव क्यों नहीं हो रही हूँ। सो आई थिंक मुझे उनका जवाब देना शायद से ज़्यादा ज़रूरी लगा फ़िलहाल में, कि मैं उनका रीज़न बताऊँ। पहला रीज़न ये है कि हम लोग एक छोटी से वैकेशन पे गए हुए थे और उसकी वजह से मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी। ये थोड़ा सा पर्सनल टूर था क्योंकि अदिश्री के होने के बाद पहली बार हम लोग कहीं पर गए थे। एज अ मदर ये मेरा पहला हॉलीडे था, सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस हॉलीडे के दौरान किसी भी तरह का कोई काम करूं। सो हम लोग गोवा गए थे। 3 दिन वहाँ से आने के बाद सब कुछ प्लान था, लेकिन वैसा हुआ नहीं और मुझे वायरल हो गया। अच्छी बात यह है कि अदिशी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे ट्रैवल के दौरान, और वहाँ पर भी वो गोवा में भी बिल्कुल बढ़िया थी, आकर अभी भी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे वायरल फीवर हो गया। और आई थिंक मेरी आवाज़ से आपको ये बात समझ में आई गई होगी। सो आई थिंक मुझे लगा कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए कि मैं पिछले 8 दिन से कहाँ गायब हूँ। एंड आई थिंक अभी भी मेरी वॉइस मुझे नहीं पता कैसी आ रही है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके इसे सुनने की कोशिश कीजिएगा। और अभी भी यही बात है कि एक्चुअली मैं कंटिन्यू नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे वीडियो भी बहुत कट कर करके बनाने पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि ट्यूसडे से आए। सो गाइज, ये था एक अपडेट कि मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, मैं क्यों नहीं थी, क्यों वीडियो नहीं आ रहे थे। सेकंड चीज़, मुझे मैंने अपने चैनल को जिस तरह से पूरा ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी केयर के फ़िलहाल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस पर एक अलग से क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी कि मैं नेक्स्ट ट्यूसडे इसे पोस्ट करूंगी। तो अगर आपके किसी भी तरह के कोई भी सवाल अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्पेशली, या फिर इंस्टाग्राम पर अलग से DM करके भी पूछ सकते हैं, जिसके जवाब में कोशिश करूंगी कि आपको अगले जो नेक्स्ट ट्यूसडे को वीडियो आएगा उसमें दे पाऊँ। सो उसका मैंने टाइटल रखा है कि सवाल आपके और जवाब मेरे, प्रेगनेंसी केयर रिलेटेड। इसी तरह अगर बेबी केयर रिलेटेड भी क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं नेक्स्ट वीक तक, तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतने सारे आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सबके जवाब दे पाना कमेंट सेक्शन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो एक ये वाला मैं करने वाली हूँ। तो अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में या अलग से पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगी इकट्ठे वहाँ पे। सो गाइज, ये दो चीज़ें हो गई, पहला कि मैं कहाँ थी, दूसरा कि क्या आने वाला है, और तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि प्रेगनेंसी में हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन क्या खाना चाहिए इस पर कभी भी हम लोगों की कोई डिस्कशन नहीं होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, चीज़ों से मतलब है रेसिपी से है। तो मैंने अपने 9 मंथ में जो जो रेसिपी ट्राई की है ताकि मेरी क्रेविंग्स भी शांत रहे, मुझे अच्छा लगता रहे, और इसके साथ में ये भी रहे कि मैं हेल्दी खा रही हूँ, तो इस तरह की मैं 5 रेसिपी कोशिश करूँगी, 5 रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो मेरे कंटिन्यू वीडियो आते हैं, अगर मैं उनमें लाने की कोशिश करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और बाकी लोगों को भी बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए होते, तो जो बाकी के दिन बचेंगे मैं उसमें रेसिपी लाने की कोशिश करूँगी। लाइक संडे को एक रेसिपी आ गई, या मंडे को एक रेसिपी आ गई, या वेडनेसडे को एक रेसिपी आ गई, तो इस तरह से वो थोड़ा सा चेंज भी रहेगा। और आप लोगों को जो प्रेगनेंसी केयर के वीडियो देखना पसंद करते हैं, या जो हमारी ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट मॉमीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको वो हेल्दी रेसिपीज़ भी इसी हफ्ते में मिल जाएंगी। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी अपडेट जो कि मुझे लगा मुझे आप लोगों को देनी चाहिए। आई होप आप समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, और नेक्स्ट
ट्यूसडे से, आई मीन आने वाले ट्यूसडे से हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे जिस तरह वीडियो आते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंकिता व्लॉग्स फैमिली का हिस्सा बनिए प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर एंड कुकिंग से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस के लिए। हमेशा नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक करके रखिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ ये छोटी छोटी अपडेट्स के लिए रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। वहाँ मैं एकदम क्विक उसी वक्त अपडेट कर देती हूँ तो दिक्कत कम आएगी। सो वहाँ मुझे ज़रूर अपडेट कीजिए। गोवा के पोस्ट मैंने वहाँ पर शेयर किए तो उन्हें ज़रूर देखिए, उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं ट्यूसडे के दिन, तब तक के लिए बाय बाय।